हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी ब्रदर्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी न्यू और सिंपल ट्रिक। फ्रेंड्स, आपके जो घर का रिमोट है, चाहे वो सीडी प्लेयर का हो, टीवी का हो या फिर एसी का हो, चाहे वो कोई सा भी रिमोट हो, फ्रेंड्स आप उसे घर बैठे बैठे ही चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो और फ्रेंड्स, वो भी इस फोन की मदद से। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड मेरे यहाँ पर लिए है तीन रिमोट, और डिश टीवी के रिमोट और एक टीवी का रिमोट। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा रिमोट सही है और कौन सा रिमोट सही नहीं है, वो भी इस फोन की मदद से। तो लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक बात आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो भी फ्रेंड्स कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिंपल फोन है तो फ्रेंड्स उसमें कैमरे का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज हमारा जो है एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, ये बिना कैमरे के फोन के नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं कि इस मोबाइल फोन के कैमरे से इस रिमोट को कैसे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इस एंड्रॉइड फोन में कैमरा ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहां पर मैंने कैमरा ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम कोई सा भी एक रिमोट को इस कैमरे के नीचे रखेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद हम कोई सा भी एक बटन प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने जो मोबाइल फोन मेरे हाथ में पकड़ रखा है फ्रेंड्स, उसके अंदर कुछ पर्पल कलर की लाइट जल रही है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स अगर आप किसी भी रिमोट को मोबाइल फोन के नीचे लाते हैं और फ्रेंड्स उसके बाद अगर आप कोई सा भी बटन प्रेस करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो रिमोट है उसमें पर्पल कलर की लाइट जलेगी, वो भी सिर्फ मोबाइल फोन के कैमरे के सामने। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स ये जो रिमोट है ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे दूसरे रिमोट पर ट्राई करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लाइट क्लियर भी नहीं दिख रही है तो भी फ्रेंड्स कोई बात नहीं, फ्रेंड्स मैं आपको इस लाइट को क्लियर भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिश टीवी के रिमोट को भी चेक करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हम इस डिश टीवी के रिमोट को इस मोबाइल फोन के कैमरे के नीचे रखेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद अब हम कोई सा भी एक बटन प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर भी लाइट जल रही है। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें भी पर्पल कलर की लाइट जल रही है। फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे भी क्लियर कर बताऊंगा। फ्रेंड्स, अब हमारे ये लास्ट एंड फाइनल डिश टीवी का रिमोट है। फ्रेंड्स ये देखिए, तो फ्रेंड्स अब हम इसको भी चेक करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको कैमरे के नीचे रख देंगे और उसके बाद कोई सा भी एक बटन प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बटन प्रेस कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स इसमें लाइट नहीं जल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें लाइट नहीं जल रही है तो फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि फ्रेंड्स ये जो रिमोट है ये खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ये जो दोनों रिमोट सही थे और इनकी जो लाइट जल रही थी, फ्रेंड्स अब मैं इसे आपको क्लियर कर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए किस तरह से हमारी जो डिश टीवी की रिमोट की जो लाइट है वो चमक रही है, वो भी इस कैमरे के नीचे। और फ्रेंड्स ये इंफ्रारेड किरणें होती है जो कि हमें नहीं दिखती है, और फ्रेंड्स यही किरणें रिसीवर कैच करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे टाटा स्काई के रिमोट पर भी ट्राई कर देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा जो टाटा स्काई का रिमोट है उसकी भी जो लाइट्स है वो किस तरह से चमक रही है, वो भी इस कैमरे के नीचे। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रेंड्स ये अंदर में किस तरह से ये जो लाइट्स थी वो चमक रही थी, वो भी इस रिमोट की। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि फ्रेंड्स इन रिमोट्स की जो इंफ्रारेड किरणें होती है वो सिर्फ मोबाइल के कैमरे के अंदर ही दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।